हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल जीएस। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पीडी वार्षिकांक पे दिए गए 600 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि मई 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक के होंगे। और इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, सामान्य एवं खेल संबंधी जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। स्पीडी वार्षिकांक वस्तुनिष्ठ टाइप के हम सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। पहला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था, क्योंकि बाद में फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? चीनी, कपास और सूत। पाकिस्तान सरकार ने इन पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 31 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये हैं रजनीकांत। नेक्स्ट है, ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर भारत रहा है। नेक्स्ट है, किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए के अनुदान सहायता प्रदान की है? अनुदान रुपए की 800 करोड़ नेपाली रुपए की, ये ध्यान रखना है, अनुदान की सहायता प्रदान किया है, तो ये भारत ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है शरण कुमार लिम्बावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट मेरोपी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया का है, माउंट मेरोपी ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो कितने प्रतिशत छूट का प्रस्ताव रखा है? 25%। अगर आप अपना पुराना वाहन नष्ट कर देते हैं और उसके बाद आप नया वाहन खरीदते हैं, तो नए वाहन पर आपको 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आपने जो पुराना वाहन नष्ट किया है आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, इसके बाद आपको 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किस बैंक ने एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है? तो यह कौन है? HDFC बैंक। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है इरफान खान को। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का जो अवार्ड है वो इरफान खान को दिया गया है। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये तापसी पन्नू को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो यह कितने के लिए करिए हैं? टोटल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी PMC बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है गोरखपुर में। नेक्स्ट है, 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया 28वें हुनर हाट का उद्घाटन गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो यह है द ग्रेट खली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये कौन है? ये है आशा भोसले। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो किसने शामिल किया है? किरण रिजिजू ने, खेल मंत्री हैं ये। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP
सूचकांक में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत 40वें स्थान पर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिड़ला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है सगर शरद पगारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? तो ये किया है, इसका शुभारंभ बिहार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है 27 मार्च को। हाल ही में AFC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन करेगा? भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू किया है? तो किस शहर में किया है? वाराणसी में। भारतीय तट रक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया है? तो कहाँ किया गया है इसे कमीशन? चेन्नई में। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? तो दुनिया की पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, शिप टनल परियोजना बन रही है नॉर्वे में। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो यह किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है, रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो यह 18 देशों के सैटेलाइट थे। नेक्स्ट है, आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही हैं? तो इसमें पहले स्थान पर रही हैं शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया शेख मुजीबुर रहमान को। किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? तो यह संगे ज्वालामुखी किस देश का है? तो ये है इक्वाडोर का। संगे ज्वालामुखी इक्वाडोर का है और यह अभी हाल ही में फटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र के कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया गया है? तो अब इसे 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों के द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह कौन सा मध्य प्रदेश और कौन से राज्य के बीच है? यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्न में से क्या है? तो इसका विषय है वैल्यूइंग वाटर। हाल ही में 2 दिवसीय नंदनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो इसका समापन हुआ है मंगलौर में। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया है UNDP ने। नेक्स्ट है, किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? तो यह किस देश ने पारित किया है इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला? स्पेन ने। नेक्स्ट है, कौन वन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? कौन सा राज्य है जो वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बन के उभरा है? तो यह कौन सा राज्य है? यह है मणिपुर। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें किया गया है कंगना रनौत को सम्मानित। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा फिल्म है ये? तो यह फिल्म है छिछोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? तो 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। किसको? स्वास्थ्य कर्मियों को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो फिनलैंड को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का कार्यवाहक या महासचिव किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है, यह दत्तात्रेय होसा बले को। नेक्स्ट है सामिया सुहलू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो यह बन गई हैं तंजानिया की। नेक्स्ट है भारत के एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है हाल ही में 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह हरियाणा ने जीती है 11वीं हॉकी राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप। नेक्स्ट है अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह उद्घाटन हुआ ढाका में। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया कौशल्या शंकर को। किससे? इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से। नेक्स्ट है ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? तो यह है रिज अहमद। हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो बांग्लादेश ने अपने देश के सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है। टाइम्स टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह है इलियट पेज। किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है माइकल होल्डिंग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो यह रूस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? तो 74% तक की अनुमति प्रदान किया है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है GP सामंत को। यंग ग्लोबल लीडर WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? तो यह किया गया है दीपिका पादुकोण को। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ और सौर फार्म बनाने की घोषणा किया है? तो यह किया है सिंगापुर ने। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है? तो यह कौन सा देश है? सोमालिया। संसदीय समिति के सरकार ने पाक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की है। निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है यह? धन लक्ष्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जलवायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्न में से कौन सी बन गई है? तो कौन सी राजधानी सबसे प्रदूषित बन गई है? दिल्ली की। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया उत्तर प्रदेश में। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया है। निम्न में से कौन सा देश UAE को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो यह कौन सा देश है? तो यह है अमेरिका, जो UAE को छोड़कर UAE से भी ज़्यादा यहाँ से अब तेल आयात किया जा रहा है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? यह उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की? तो यह है जॉनसन एंड जॉनसन। स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है?
तो श्रीलंका ने किया है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो यह किया है क्रेग व्रेथ-वेट को। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो यह कौन है? हसमत उल्लाह साहिदी। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो यह है मिताली राज। हाल ही में हेरथ उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह हेरथ उत्सव मनाया गया जम्मू कश्मीर में। किस राज्य ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? यह फ्रांस ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है नाइजर के राष्ट्रपति ने। हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला है? तो यह तेलंगाना में खोला गया है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क। हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो कौन सा राज्य है वो? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डस्ट लीक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो यह डस्ट लीक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो यह है अमिताभ बच्चन, इन्हें सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच समुद्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो समुद्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? यह दिया है ओडिशा को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सर्वाधिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? यह कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड, जिसने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया है। नेक्स्ट है, जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 मार्च को। किस देश ने अपने रक्षा बजट 6.8% की बढ़ोतरी करके 209 अरब डॉलर कर दिया है? यह किस देश ने किया है? चीन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? तो यह बनी है लिगिया नोरोन्हा। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो बेंगलुरु इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। EFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया है? 8.5%। किसे साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह है मोहन कृष्ण बोहरा। भारत ने किस देश को पहली बार लाल चावल की खेप रवाना की है? तो यह अमेरिका को किया है पहली बार लाल चावल की खेप। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है MC मैरी कॉम। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है? तो यह बन गए हैं कीरोन पोलार्ड। हमारे देश के T20 क्रिकेट के युवराज सिंह ने लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारे थे और यह पहले थे, अब दूसरा कौन बन गया है? कीरोन पोलार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली।
किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया है? तो यह किया है कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दिया है? तो यह कर दिया है हरियाणा ने। वहाँ 75% नौकरी जो होगी वो उसी राज्य के युवाओं के लिए होगी और यह निजी क्षेत्र में होगा, निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए। राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नाम दिया गया है? तो अब इसे नाम दिया गया है संसद टीवी। राज्यसभा और लोकसभा के विलय के बाद अब इसे संसद टीवी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान किया है? 101 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान किया है। संसद टीवी के पहले प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है रवि कपूर। हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह है नरेंद्र मोदी, जिन्हें वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह रखी गई है नागालैंड में, मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखा है राम माधव ने। ब्रिटेन के दो क्रूज जहाजों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया? तो यह किया गया किस राज्य में? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? बिहार का। किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका M लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किसने किया है? तो यह लॉन्च किया है रूस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हीरो इंडियन वीमेन लीग 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो अब यह कौन करेगा, इसका आंसर क्या होगा? ओडिशा। भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत अलाउ इट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? तो यह किया है बांग्लादेश को। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है विल चेरू राव को। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? झारखंड ने। नेक्स्ट है, किस देश की सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा को यूएन गुडविल अम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह किस देश की है? तो यह रूस की है। किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? तो हाल ही में किस देश ने मनाया है अपना लालटेन महोत्सव? तो यह है चीन का। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश, पीएम किसान योजना को लागू करने वाला। किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह चाइना का है, यह चाइना का पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह है। विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को मनाया जाता है विश्व एनजीओ दिवस। हाल ही में भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? तो यह भारत और चीन के बीच है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्य बाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो यह उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट है, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? तो यह है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुल जुल
पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज किया है, तो यह झारखंड का है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है, तो कितने साल की कटौती किया है, 3 साल की। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए चुना है, तो यह है अंजलि भारद्वाज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है, तो यह कौन सा देश है, यह है अमेरिका। नेक्स्ट है, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह कौन सा राज्य है, तो यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना गया है, तो यह 12 स्थान है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भारत के दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट है, पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन बन गया है, तो यह है उत्तराखंड। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है, तो यह किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है, तो यह है प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा किया है, तो इसका नाम बदलकर किया जाएगा नर्मदापुरम। होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जाएगा और यह मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, तो यह है 10,700 करोड़ रुपए। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई है, तो यह है पुदुचेरी। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है, तो किस देश ने दिया है, हाल ही में सऊदी अरब ने। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और किस देश के बीच है, यह भारत और इथियोपिया के बीच में है। किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अन एकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है, तो यह सचिन तेंदुलकर है। भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है, 363 करोड़ रुपए का। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है, तो यह कर लिया है, किसने किया है, ये नोवाक जोकोविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है, 12 वर्ष। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता है, तो यह है नाओमी ओसाका। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो यह श्रीलंका के हैं। विश्व पैगोलिन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है फरवरी के तीसरे शनिवार को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है, तो यह किया है असम में। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र है वो नदी
राजस्थान गुजरात में नहीं बहती है, बिहार में नहीं, असम में ही बहती है, तो इसलिए इसका आंसर असम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ है आंध्र प्रदेश के। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया है? तो यह है सीको हासी मोतो। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन के खोज के लिए परसिवरेस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? तो यह मंगल ग्रह पर कराई है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? तो यह कौन है? क्रिस मॉरिस। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने को मंजूरी प्रदान की है? तो यह भारत और मॉरिशस के बीच होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो यह है फॉफ डुप्लेसिस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह है अजय माथुर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित कर्लापट वन्य जीव अभयारण्य में हेमरिज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई? तो यह है ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में से कितने स्थान पर आ गया है? तो भारत किस स्थान पर आ गया है? 86 में स्थान पर 180 देशों में से। और कौन सा सूचकांक है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? ओडिशा की सरकार ने। हाल ही में किस देश ने टेरा फुगिया ट्रांजिशन द्वारा उड़ने वाली पहली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो यह किसने किया है? अमेरिका ने। भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह किसे किया गया है? एकता कपूर को। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन कर दिया गया? तो 30 दिन कर दिया गया। आईपीएल टीम किम्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? पंजाब किंग्स कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? तो किसे नामित किया है? यह है प्रोनीता गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया? तो यह उत्तर प्रदेश का है। विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 फरवरी को। निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो यह कौन सी टीम है? पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की धाविका बैट्रिस सेपकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है केन्या की। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है? तो यह है रोहित चोपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कितना किया है? 1.25 लाख प्रतिमाह। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया है?
तो यह है हिमाचल प्रदेश। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? तो किन पहलवानों को बाहर कर दिया है? तो ये हैं सुशील कुमार और साक्षी मलिक। कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन बना? तो कर्नाटक का 31वां जिला बना है विजयनगर। किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियान वेन वन मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? तो यह किस देश ने कहा है? चीन ने। भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? तो यह हिमा दास है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? अमेरिका ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है? दिल्ली सरकार ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी की है? तो यह किसने किया है? तो यह उत्तराखंड की है। नेक्स्ट है भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इन्होंने कितने विकेट लिए हैं? तो इन्होंने लिया है 300 विकेट। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह है स्टीव स्मिथ। फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया है? 1 साल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मिस प्लेयर ऑफ द मंच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया है। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओडिशा। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो यह किया है 12,000 करोड़ रुपए का। कितने वर्ष के लिए? 2021-22 के लिए। कौन सी योजना होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY? किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार COVID-19 टीकाकरण के मामले में भारत 51 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा किया है? तो किस वर्ष तक किया है? 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? तो इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 50वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया? तो यह किया है 4700 करोड़ रुपए। ब्रॉड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फिलिप्स की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है विराट कोहली। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोलवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो यह किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत तक बरकरार रखा है? तो यह रखा है 4%। नेक्स्ट है अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट के
कितने साल के लिए बढ़ा दी है, तो कितने साल के लिए बढ़ाया है, 5 साल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है, तो यह पाकिस्तान ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 4 फरवरी को। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया है, तो भारत अब पहुंच गया है 53वें स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो टोटल 20 देशों की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है, तो यह ब्रिटेन ने किया है। पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में वाघई विलमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैनो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है, तो यह है आंसर क्या होगा, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात में किया है यह। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है जनवरी के अंतिम रविवार को। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, RS शर्मा को। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर नया कीर्तिमान किसने स्थापित किया है, तो यह है आयशा अजीज। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है, आत्मनिर्भरता को। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने का घोषणा किया है, उनकी जगह किसको सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो यह किसे दी जाएगी, NDJC को। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है, तो यह पंजाब सरकार ने किया है। हाल ही में जारी 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 86वां स्थान। किसे 42वें उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, सीपी मोहंती को 42वें उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार मिला है, तो यह मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को। हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो यह है उत्तर प्रदेश। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, तो टोटल 109 लोगों को। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है, तो इसका मुख्य विषय क्या है, COVID-19 योद्धा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है, तो यह किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की राज्य की झांसी है राम मंदिर की झांकी। हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त किया है, तो किस देश का है यह है पाकिस्तान का। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए 1.5 लाख डॉलर मदद करने की घोषणा की है, भारत ने। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी, तो इस साल भारत में 7.7% की गिरावट दर्ज होगी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है, 11%। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में
भारत निम्न में से किस स्थान पर है? तो भारत इसमें है सातवें स्थान पर। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत सातवें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान है। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन की पहल की शुरुआत किया है? तो यह किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया है? शिंजो आबे को। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह स्पेन और किस देश के बीच है? स्पेन और फ्रांस के बीच। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी प्रदान किया है? तो यह कितने लोगों को किया है? 40। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तारक शाह को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 कितने बच्चों को दिया गया? तो यह कितने बच्चों को दिया गया? टोटल 32 बच्चों को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? यह मध्य प्रदेश की। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? तो यह है कुमार संगकारा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुविधा प्रदान की है? तो पूर्व न्यायाधीश रंजय गोगोई को। निम्न में से किस देश ने UAE की मंजूरी के बाद आबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? इजराइल। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 2 करोड़ रुपए का। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? अनिल खोबरागडे को। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो यह है सुशांत सिंह राजपूत। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और DRDO के बीच में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की? तो यह किस राज्य सरकार ने किया? उत्तराखंड। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए? 3। 3 हवाई अड्डों के लिए। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो यह किया है गुजरात सरकार ने। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो किस ट्रेन का नाम बदला गया है? हावड़ा कालका मेल का। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो किस देश ने किया है? यह रूस ने। किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दिया है? तो यह भारत
और किस देश के बीच है? उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? तो यह कितने मेगावाट का है? तो इसका आंसर क्या होगा? 850 मेगावाट। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश का है? तो चौथा स्थान है भारत का। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो कमलम फ्रूट का रखने की घोषणा की है, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर। भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1,50,000 करोड़ वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए दिए हैं? या किसे की दिया है? भूटान को। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बनी? भावना कांत। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए 3.7 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? तो यह मलेशिया ने। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? तो यह 14 साल के बाद। निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो यह ब्रिटेन ने किया है। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? तो कितने हार्बर क्रेन की? 2। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? तो किसने किया है यह? अमेरिका ने। अमेरिका के ओपन स्काई संधि के तहत होने वाली घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी करने की घोषणा कर दी है? तो यह रूस ने किया है, ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? माला अडिगा को नियुक्त किया गया है। किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम कर लिया है? सौरभ चौधरी ने। दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? संदीप अग्रवाल को नियुक्त किया है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो कितने प्रतिशत की दर से? 2.3%। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? क्यूबा को। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा? तो इसमें मॉस्को सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा। गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा किया है? तो यह किया है नई पर्यटन नीति को लागू करने की घोषणा। निम्न में से किस देश ने चीन के झिंगजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? अमेरिका ने। आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयस बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 2 करोड़ रुपए का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया है? तो किस शहर में आपातकाल घोषित किया? वाशिंगटन डीसी में। भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? तो यह किसने लगाया? गोवा ने। अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? तो कितने राष्ट्रपति हैं अब तक? टोटल कोई भी नहीं है इसमें, किसी भी राष्ट्रपति को अब तक अमेरिका में महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया।
गोवा में आयोजित होने वाले 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस फोकस देश के तौर पर चुना गया? बांग्लादेश को। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? वेनेडियम पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया यहाँ? नासा ने। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इन्होंने कर दिया है महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने निम्न में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? विलियम बर्न्स को। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो वर्तमान में पुलिस बल में टोटल 10.3% महिलाएं हैं, 90% से ज्यादा पुरुष हैं। सॉरी, 90% नहीं, 89% से ज्यादा पुरुष है। 89.7% पुरुष है और 10.7% महिलाएं हैं टोटल भारत में। नेक्स्ट है, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो किस खिलाड़ी की बराबरी किया है? जोसेफ बिकान की। किस देश की सरकार ने हाल ही में COVID-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए ऋण की सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है? जापान। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया? तो यह किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है? तो यह बना है तेलंगाना। अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं? तो यह किस देश के साथ? ताइवान के साथ। निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो यह कौन है? ये है रोहित शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो यह किया है पाकिस्तान ने। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो यह है एलन मस्क। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो यह दिया है 8 परियोजनाओं को। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 7.7%। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 28, तो कितने करोड़ की? 2,08,000, सॉरी, तो ये किया है 28,400 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया? तो 2 साल के लिए। निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? नैन्सी पेलोसी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? ईरान ने किया है। हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है? मेजर जनरल गौतम चौहान ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान किया है जापान के साथ में। हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? तो यह केरल ने किया है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश में दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया? तो यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का किस देश का दौरा टल गया है? तो यह भारत का दौरा था। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रॉफी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? तो यह दिया है जेफ बेजोस ने। आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया? शिलांग में किया है। भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम दूर इस स्वामी को। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी, इस प्रश्न का आंसर बी होगा, एलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त किया गया है। भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से एलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त किया गया है, यह गलत है। किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो यह मध्य प्रदेश की है। कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया? तो यह कहां पर किया गया? ब्रिटेन में। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है? तो यह किसने किया है? यह किया है राजस्थान ने। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो यह अधिनियम पारित किया है अमेरिका में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगा? तो यह किसने किया है? दिल्ली में। किस देश के प्रतिष्ठित गायक मेरी मार्सडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह इंग्लैंड के थे। रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो किनके लिए यह बंद कर दिया है? खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? तो किसने किया है? चाइना ने। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो किस देश ने बदला है? ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वन डे प्लेयर चुना है? किसे चुना है? विराट कोहली को। आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया? या किसे किया? महेंद्र सिंह धोनी को। निम्न में से किस फुटबॉलर ने को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुनील छेत्री को सम्मानित किया गया है दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से। हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 आयु में निधन हो गया? ये हैं सुनील कोठारी।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो किस साल के अंत तक किया है ये? 2026 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? तो यह किस शहर में किया? दिल्ली में। हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो यह संबंधित थी किस क्षेत्र से? कवि थी यह, सुगाथा कुमारी एक कवि थी। निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? तो यह किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? तो यह वियतनाम है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? कब तक के लिए? 31 अगस्त 2021 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? ओडिशा ने। निम्न में से किस राज्य की पहली लिथियम रिफाइनरी, किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो यह किया जाएगा गुजरात में। सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है? 900 अरब डॉलर का। हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यह किस देश ने किया है? जापान ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु तो एक विशेष अभियान बरसात की शुरुआत किया? उत्तर प्रदेश ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? तो यह है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। गोवा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 IPL टीमों से खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? इसका आंसर क्या होगा? यू महेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? हैदराबाद में। एशियाई विकास बैंक ADB ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है? तो 2100 करोड़ रुपए की घोषणा किया है। उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो यह किसने संभाला है? विनीत अग्रवाल ने। भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया है? मार्च 2021 तक के लिए। भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके किसके बीच है? भारत और वियतनाम के बीच में। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? तो ये चाइना ने किया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? एंजेला मार्केल को। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? तो भारत में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8341 करोड़ रुपए लागत वाली 18 नेशनल हवाई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो यह राजस्थान में किया है। फार्मूला वन के दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को BBC का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तो किसे चुना गया है? लुइस हैमिल्टन को। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निदेशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया? तो यह है जगन्नाथ गुहा। निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? धर्मेंद्र को। किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाज़त दे दी है? तमिलनाडु में। विश्व अल्पसंख्यक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है भारत। निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो किसने किया है? यह चाइना ने। हाल ही में किस राज्य ने बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र मंकी रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की है? तो कहां पर किया गया है? तेलंगाना में। एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए 42 लाख डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह त्रिपुरा के लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो कितने का जुर्माना लगाया है? 50 लाख रुपए का। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किस देश ने किया है? यह अमेरिका ने। राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलों इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज यानी स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो 4 खेलों को। जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते 3 गोल्ड मेडल समेत निम्न में से कितने मेडल अपने नाम किया है? तो कितने मेडल अपने नाम किया है? 9 मेडल। हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तट रक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? तो यह है सुजीत। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम दिया है। क्या नाम दिया है नया? गार्जियंस। हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म के स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण अब कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? कितने साल की सजा का? 7 साल की। हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है? रूस को। पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? सोनू सूद को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर के तट से सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है पृथ्वी 2 का। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने
विकास कार्यों में सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 4 परियोजनाओं को। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो यह है इंटरसेप्टर C-454। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो कितनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? 3। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? किसकी मध्यस्थता में? अमेरिका की। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? विजन 2035। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया है? तो किसका निधन हुआ है? बनंजय गोविंदाचार्य का। हाल ही में किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल M.N. नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? तो किस देश ने किया है? सऊदी अरब ने। पाकिस्तान टीम ने किस तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान टीम के किस तेज तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? मोहम्मद आमिर ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? यह 18 दिसंबर को। रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो कितनी? 28,000 करोड़ रुपए। पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? तो किसने जीता है? रॉबर्ट लेवांडोस्की ने। भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिलहटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू होगी? तो किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच में। निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू किया है? तो यह शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैन्यूपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो भारत को डाल दिया है। नेक्स्ट है, खेल मंत्रालय किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? तो किस समिति पर? भारतीय पैरालंपिक समिति। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक HDI में भारत निम्न में से कितने स्थान पर पहुंच गया है? 131वें स्थान पर। किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एक रूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस को मंजूरी दे दी है? तो यह महाराष्ट्र सरकार है। किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्री मैन का 76 की उम्र में निधन हो गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया के थे। किस देश का चांग-E-5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा है? तो यह चाइना का है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो यह तेलंगाना के लिए नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न में से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह थे श्रीपति खांचनाले। गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान किया है? तो किसे प्रदान किया है? गृह मंत्रालय ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा सनी देओल को। नेक्स्ट है, विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 दिसंबर को। किस देश के प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि के लिए चुने गए थे मुख्य अतिथि के लिए नामित किए गए थे? तो किस देश के थे ये? ब्रिटेन के, जो कि कोरोना के चलते कैंसिल हो गया था इनका कार्यक्रम। नेक्स्ट है, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? तो किसके बीच की गई?
भारत और किस देश के बीच में? म्यांमार के बीच में। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? यह बनाया गया है क्विंटन डिकॉक को। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह कहाँ पर लिया है? जयपुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यह असम की सरकार ने किया है। पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया? तो यह पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ। किस देश के फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो यह फाइजर वैक्सीन अमेरिका की है। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 7% की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों की टी शर्ट एवं जीन्स पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दिया? तो यह लगाया दिल्ली ने। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अक्षय कुमार को। किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? गुजरात के लिए। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 दिसंबर को। हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू किया है? तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा सिंगापुर में। विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है जेना वोल्ड्रिस को विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में। मानव अधिकार दिवस मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। कि खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? 1,000 खेलो इंडिया केंद्र। वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? तो यह भारत से। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? तो यह चुना गया है प्रमिला जायसवाल को। भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का घोषणा कर दिया है? तो यह किसने कर दिया है? पार्थिव पटेल ने। हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया है? पाओली रोजी का। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यह मनाया गया 1 दिसंबर को। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? जल्ली कट्टू को। फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? तो भारतीय टीम पहुंच गई है 104वें स्थान पर। हाल ही में पैगर बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अक्षय कुमार को नियुक्त किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? तो क्वारंटाइन को चुना है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ग्रेग बॉरकले बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डिएगो माराडोना का निधन हो गया। यह खेल किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकास लक्ष्मी विकास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है? DBS बैंक में। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? कतर करेगा। 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के तौर पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह नियुक्त हुए हैं विजय सिन्हा। हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? महादेवप्पा मैलारा के नाम पर। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया है? तो यह किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया है? पाकिस्तान के। किस राज्य में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया है? तो यह मेघालय में होना था। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो यह किया मलेशिया ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने ATP टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता है? डेनियल मेदेव देव ने। हाल ही में 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो यह दिल्ली क्राइम ने जीता है। महिला बिग बैग लीग में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? सोफी डिवाइन बनी है महिला बिग बैस लीग में प्लेयर ऑफ द ईयर। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यह सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया गया। कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो यह दक्षिण अफ्रीका करेगा। किसे वर्ष 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है निसरुद्दीन शाह। LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम क्या है? आनंदा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? नैनीताल में। भारत सिंगापुर और थाईलैंड के नौसेना के बीच SIPMAX 2020 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो यह शुरू किया अंडमान सागर में। हाल ही में तुंग भद्रा पुष्करम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? न्यूनतम 15 वर्ष। अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 20 नवंबर को। किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? यह सूर सरोवर झील है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है, किसने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? तो यह जीता है डगलस स्टुअर्ट ने। किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया ऋचा चड्ढा को। हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची TRAIS 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 77वां स्थान मिला है। किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत किया है? छत्तीसगढ़ ने। कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया है? विजयनगर को। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पर है? तो यह है 63वें स्थान पर। किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो किसे किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक को। हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो यह किया है विजय वल्लभ सुरीश्वर के सम्मान में। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंच ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो यह जीता है आर्यन सबलेंको ने।
किस राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा? तो यह किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है ADPL गुणारत्ने, RT वीरवारा देना, इन दोनों लोगों को। तो उसका आंसर सी होगा। हाल ही में किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो यह दर्ज किया है अरुणाचल प्रदेश ने। चुनाव आयोग में किस अभिनेता को पंजाब का टेस्ट आइकन नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सोनू सूद को। स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? 4 यात्रियों को भेजा है। मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब किसने जीता है? डस्टिन जॉनसन ने। बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये तार किशोर प्रसाद रेणु देवी, इन दोनों लोगों ने लिया है। नेक्स्ट है, 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने 7वीं बार लिया है। किसे हिंदी साहित्य मंडल के नव लेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है सुमित सूदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो ये राजस्थान में किया है। कलई नगर करुणा निधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह पुदुचेरी में शुरू की गई है। किस राज्य सरकार में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो यह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। भारत ने COVID-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर योगदान देने की घोषणा की है? 1 मिलियन डॉलर। किस देश के शहादत रहमान को ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो यह बांग्लादेश की है। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह किया एस जयशंकर ने। महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? सोफी डिवाइन। हाल ही में तूफान वामको ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो तूफान वामको ने किया है फिलीपींस को प्रभावित। किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह आंध्र प्रदेश है। मूडीज ने साल 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह लगाया है -8.9%। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है मैसूर में। मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? तो यह मैक्सिको का ग्वाडलहारा शहर है। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 12 नवंबर को। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल। हाल ही में ITTF विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है चेन मेंग ने। बॉडी मास इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है? इसमें टॉप पर रहा है नीदरलैंड। हाल ही में भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ा दिया है? तो यह बढ़ा दिया है सिक्किम तक। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है? तो इसमें कौन सी एकमात्र भारतीय प्रविष्टि है? तो यह है कारखानी सांचीवारी। हाल ही में टेनिस में 1,000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं राफेल नडाल। IPL 2020 सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है विराट कोहली को। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की? RJD जी ने। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कुल कितनी सीटें मिली? तो सीटें मिली हैं 125।
राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है? तो यह हरियाणा में हुआ। कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? लॉकडाउन को। हाल ही में जारी हारून इंडिया के वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे ज्यादा दानवीर भारतीय बने हैं? तो ये बने हैं अजीम प्रेम जी। आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। किस राज्य ने देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर रेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है उत्तराखंड में। विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई है? तो यह है नटखट। पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदेव डेव ने। हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह दिया है हिमाचल प्रदेश में। किस टीम ने महिला T20 चैलेंज का खिताब जीता है? तो किस टीम ने जीता है ये? ट्रेल ब्लेजर्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की गई है? तो अब इसका नाम किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? तो ये असम की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है गुजरात में। किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया है? तो ये गुजरात ने शुरू किया। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C-49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इन्होंने 10 उपग्रहों के साथ में किया है। किसकी अध्यक्षता में NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है? तो यह कौन है, किसकी अध्यक्षता में किया गया है? M. M. कुट्टी की। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये चुने गए हैं 46वें नंबर के राष्ट्रपति। भारतीय मूल की प्रथम महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस। मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए J.C. डेनियल पुरस्कार 2019 किसने जीता है? हरिहरन ने। भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप पहुंची? तो यह पहुंची जामनगर एयरबेस में। हाल ही में नमामि गंगे योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? चाचा चौधरी को। मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है मौर्या थाडिल ने। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव कोष WWF के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है? तो कितने शहरों में? 30 शहरों में। एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? हरप्रीत एडी सिंह। किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है K. L. राहुल। किस मलयालम लेखक को केरल सरकार ने 28वें एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो ये है पॉल जाचेरिया। यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो किसे दिया है? पन्ना टाइगर रिजर्व को। किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो यह है कार्बेट टाइगर रिजर्व। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है ली बेयंग हन ने। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। 31 अक्टूबर 2020 को स्पाइस जेट ने कहाँ में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की? तो यह गुजरात में शुरू किया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो यह ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किया है। डॉक्टर तुलसी दास चुघ पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है डॉक्टर सतीश मिश्रा।
किस शहर में सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन किया गया है? तो यह किस शहर में किया गया है? नोएडा में। विश्व आर्थिक मंच 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा ये? लुसर्न बर्गन स्टॉक में। 7 नवंबर 2020 को इसरो किस रॉकेट की मदद से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 को लॉन्च करेगा? तो किसकी मदद, किससे लॉन्च करेगा इसरो यह सैटेलाइट? तो यह करेगा, आंसर क्या होगा? PSLV-C49। तूफान जेटा ने किस देश के लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है? तो किस देश का यह जेटा तूफान है, किस देश का है ये? तो ये है अमेरिका का। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की? तो यह गुजरात ने किया। ई बोर्डिन को सक्षम बनाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? हैदराबाद एयरपोर्ट। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया? तो यह मनाया गया आंध्र प्रदेश में। किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है? तो यह किया है नासा ने। किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? जापान ने किया है। कहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियम लीग प्रतियोगिता शुरू की गई? तो यह कहाँ शुरू किया गया? इंदौर में। किस राज्य की काबड़तल आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो यह काबड़तल आर्द्रभूमि बिहार की है। किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा किया है? तो यह बांग्लादेश ने किया। किसने लॉस वेगास में सीजे कप को जीत कर अपना पहला PGA टूर हासिल किया है? तो यह किसने किया है? जैसन कोकरक ने। हाल ही में पोलैंड के चौराहे स्क्वायर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार के बुमला में जोगिंदर वाव मेमोरियल का उद्घाटन किया गया? तो यह कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार द्वारा दिन के दौरान किसानों की बिजली प्रदान करने के लिए किसान सर्वोदय योजना शुरू किया गया? गुजरात में किया गया। किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने किया है। हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 131वें स्थान पर है। हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आलोक वर्मा को। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? गुजरात में। प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बना है? तो यह बना है अंडोरा। किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020 से 25 की घोषणा की है? तो यह किसने किया है? कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने सुरंदा सम्मान की स्थापना की है? तो यह किया है ओडिशा ने। हसन दियाब के इस्तीफा देने के बाद लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं साद हरीरी। UNCTAD के अनुसार इस वर्ष विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? तो कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? 7 से 9% की। 2020 में शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप की महिलाओं की स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह किसने जीता है? इला वेनिल वाला रिवन ने। द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें भारत की रैंक चौथी है। किस राज्य सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड
योजना शुरू किया है? तो यह शुरू किया है तमिलनाडु ने। भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया गया है? तो यह कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया गया है? यह है INS कवरत्ती। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो यह कौन है? विजय लक्ष्मी रमनन है। हाल ही में राज्य कृषि कानून को लागू ना करने यानी खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह कौन सा राज्य है? पंजाब। IIT संस्थान ने COVID-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है। तो यह किस IIT संस्थान ने विकसित किया है? IIT खड़गपुर ने। नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस नेटवर्क का चयन किया गया है? तो यह कौन सा नेटवर्क है? नोकिया। भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है? तो यह केरल में शुरू की गई है भारत पहली बार हींग की खेती। नेक्स्ट है, मास्क की कीमतों को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह कौन सा राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। क्षुद्र ग्रह बेनु से नमूने इकट्ठा करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया? तो यह भेजा गया और ओसिरिस रेक्स। IPL के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो यह कौन है? शिखर धवन। रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो यह बढ़ाया है 10%। डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यह जीता है नोजोमी ओको हारानी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त वार्षिक अभ्यास स्लाई नेक्स का 8वां संस्करण आयोजित किया गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्लाई नेक्स का 8वां संस्करण आयोजित किया गया। किसने 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है? तो ऐश्वर्या श्रीधर ने जीता है। किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है? तो यह है न्यूजीलैंड का पासपोर्ट। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब को खिताब जीतने के 7 महीने बाद आई लीग 1920 की चैंपियन ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो यह है मोहन बगान। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया? तो किसकी अध्यक्षता में किया था? जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है संगीत समारोह जश्न ए हर्द का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा विहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा। यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है विशाल वी शर्मा। लॉन्सेट मेडिकल कॉलेज के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल की हो गई है? तो अब हो गई है 70.8 साल। हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? 94वें स्थान पर भारत है। हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडनिया 2020 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ब्रिगिड कोसगिल बनी है। गुजरात की कोकिला कही जाने वाली किस गायिका का हाल ही में निधन हो गया? कौमुदी मुंशी का। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यह मनाया गया है 16 अक्टूबर को। मशहूर डॉल कंपनी बॉर्बी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बॉबी डॉल लॉन्च किया है? तो यह है मानसी जोशी। यूनेस्को ने भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? तो यह कौन है? विशाल वी शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्मों राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह है 7। किस राज्य के सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन पहल शुरू किया गया है? तो यह किस राज्य की है? यह है ओडिशा की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बिल्डिंग रूरल वुमेन अ रेसिलियंस
इन द वेक ऑफ कोविड-19 थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यह मनाया गया 15 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। किस देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के तहत भारत उसे अपनी सिंधु बीर पनडुब्बी देगा? तो म्यांमार को देगा। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 किसने जीता है? यह जीता है बैंक ऑफ घाना ने। पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दिया? तो कितने फीसदी दिया है? 33%। IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? 10.3%। FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में डाल रखा है? ग्रे लिस्ट में डाला है। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में निचुफू सुरंग की आधारशिला रखी है? तो यह रखी है अरुणाचल प्रदेश में। T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं शिखर धवन। किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फाइनल्स 1920 का खिताब जीता है? तो यह किस टीम ने जीता है? लॉस एंजल्स लेकर्स ने। शास्त्रा रामानुज पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है साई इरवा को। किसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला था? तो किसने संभाला था यह? एवा मोटो ने। किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया? जर्मनी में। ऑक्सफेम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 129वां स्थान मिला है। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। नागोर्नो काराबाग क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है अभी भी? तो यह है आर्मेनिया और अजरबैजान। पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जीता राफेल नडाल ने। हाल ही में जर्मनी में आयोजित एफिल ग्रांड प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू किया है? तो यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ में 10 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो यह किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये ओडिशा के हैं। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो ये है मिंटी अग्रवाल। वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार है तो किसे चयनित किया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। किन दो वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये है इमैनुअल चार्पियर एवं जेनिफर ए डोडना। मैरी लेबुन क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है क्लेयर कोनोर। ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य है गोवा। T20 क्रिकेट में 9,000 रन तक पहुंचने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? PV सिंधु को। किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुरसेनी को GI टैग मिला है? तो यह किस राज्य की है? सिक्किम की है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 है तो किसका चयन किया गया है इसके लिए? लुइस ग्लूक का। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? पुदुचेरी हवाई अड्डा है ये, जो 100% सौर ऊर्जा से चल रहा है। हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह गुजरात को प्राप्त हुआ है। भारतीय मूल के किस दिवंगत
अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया, तो यह किसके नाम पर लॉन्च किया गया है? कल्पना चावला के नाम पर। चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो यह कौन है? उपयुक्त तीनों लोग हैं, चार्ल्स एम राइस, हार्वे जे अल्टर और माइकल ह्यूटन। किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर लेने की मंजूरी दी गई है? तो कितने राज्यों को दिया गया है ये? इसका आंसर क्या होगा? 5 राज्यों को। कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो यह दिया गया है 14 वैज्ञानिकों को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये? तो यह है, इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश के। प्रतिवर्ष कितने वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो कितने वर्ष से कम आयु के? 45 वर्ष। भारत और किस देश के बीच प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? तो यह किसके बीच किया गया है? भारत और किसके बीच में? मालदीव के बीच में। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शेखर कपूर। इस वीडियो में हमने देखा स्पीडी वार्षिकांक में दिए गए 600 से भी ज़्यादा प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी इस बुक में दिए गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।